नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। यूपी में लव जिहाद के मामले में पहली बार एक दोषी को सजा सुनाई गई है। मामला कानपुर का है, जहां एक कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा के साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी में लव जिहाद के मामले में पहली बार एक दोषी को सजा सुनाई गई है। मामला कानपुर का है, जहां एक कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा के साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के मुताबिक दोषी कानपुर का ही रहने वाला है, जिसका असली नाम जावेद है, लेकिन जावेद ने लड़की को अपना धर्म हिंदू और नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की। यही नहीं, वो लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा भी ले गया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध भी बनाए। पीड़िता जब अपने घर पहुंची तो जावेद ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा, जिस पर उसने इनकार कर दिया। चार धाराओं में सजा हुई है, 363 में 5 वर्ष और 5,000 का जुर्माना, 366 पे 7 वर्ष की सजा है, 7,000 का जुर्माना है, और 376 में 10 वर्ष की सजा, 10,000 का जुर्माना है, और 501 में 8,000 की सजा, 7,000 का जुर्माना है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। और इसमें विशेष बात ये की गई 357 से 380 के प्रावधानों के तहत, अगर पीड़िता अपील में वो लोग नहीं जाते हैं तो पीड़िता को 20,000 रुपया जुर्माने के अवसर दिया जाएगा। अगर वो लोग अपील में जाते हैं तो अपील के जो निर्देश होंगे उसके अनुसार पीड़िता को पैसा दिया जाएगा। ये लव जिहाद में काम करने का पहला जजमेंट है। पुलिस की जांच में कई और खुलासे भी हुए। पीड़ित लड़की की गवाही और मामले की सुनवाई के बाद उस पर जिला जज ने पॉस्को एक्ट के तहत जावेद को 10 साल की सजा सुनाई है। जावेद के ऊपर 30,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 20,000 रुपए पीड़िता को हर्जाने के तौर पर देने का आदेश भी किया गया है। आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद पर कानून 24 फरवरी 2021 को लागू किया गया था, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण पर 5 साल और सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा और प्रावधान किया गया है। ये अपराध गैर जमानती है।